तो इस वीडियो में मैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा और उसके जितने सारे कन्वर्जन पॉसिबल है वो सारे मैं बताऊंगा। इसको दो पार्ट में मैं बताऊंगा। जो पहला पार्ट होगा उसमें मैं ये बताऊंगा कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को किसी और नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एंड जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें मैं ये बताऊँगा किसी और नंबर सिस्टम से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हेक्साडेसिमल से हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो कोई भी एग्जाम्पल लेता हूँ जैसे FA9C। तो अब ये क्या करना है कि हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल में जितने हमारा नंबर होता है ना बाइनरी में, हम उसको 4 बिट्स के पेयर में लिखते हैं। तो इसका हर एक डिजिट हम लेंगे और उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी बिट्स होगा वो लिख देंगे सिंपल। ओके, तो यहाँ पे जो एफ है तो इसकी जो वैल्यू है 111 हो जाएगी, ए जो वैल्यू है 810109 या 1001, और सी की वैल्यू कितनी है 12 है, तो 1100, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। एक मैंने वीडियो बनाया है कंप्लीट नंबर सिस्टम का, उसमें जितने सारे हमारे नंबर सिस्टम है बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल डेसिमल, उस सारे का जितने कन्वर्जन पॉसिबल है वो सारा मैंने उस वीडियो में कवर किया है बहुत सारे एग्जांपल के साथ। वीडियो अराउंड 45 to 50 मिनट्स का है, तो एक बार अगर आपने वो वीडियो कम्प्लीट देख लिया तो सारा नंबर सिस्टम का कन्वर्जन आपको बहुत ईजी लगेगा। तो ये सजेस्टेड वीडियो है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। एक और एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, जैसे 9832C। ओके, इसको कन्वर्ट करना है हमारा हेक्साडेसिमल में अगर ये दिया है। ओके, और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 9 के लिए क्या हो जाएगा 1001, 8 के लिए 100, 3 के लिए क्या हो गया 0011, एंड 2 के लिए 0010, एंड सी के लिए क्या हो जाएगा 1100। तो ये कन्वर्ट हो गया अपना हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब देखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल से अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हमें पहले जो हेक्साडेसिमल है उसको एक किसी और नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो डेसिमल या बाइनरी। तो डेसिमल में थोड़ी सी कैलकुलेशन आ जाएगी, तो बेहतर ये होगा कि उसको बाइनरी में आप पहले कन्वर्ट करो, एंड फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको बाइनरी से हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेंगे। एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे, AFCD या हेक्साडेसिमल में दिया गया है, तो सबसे पहले इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन बाइनरी के बाद हम इसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, 1010, एफ के लिए 111, सी के लिए 1100, डी के लिए कितना है 13 है क्या, डी 1101, तो ये अपना बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। तो अब इस बाइनरी को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, तो बाइनरी से ऑक्टल में जाने के लिए हम 3 का पेयर बनाते हैं। ओके, तो अब इसको राइट साइड से हम 3 का पेयर बनाएंगे यहाँ पे, देन ये, और जो रिमेनिंग हो जाएगा ना उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, या फिर चाहे तो आप 0 दे सकते हो एक्स्ट्रा। अब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्टल वैल्यू हम लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 4, यानी कि 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 7 2, एंड देन 1, तो इसकी जो वैल्यू है 1 2 7 7 1 5, ये ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। ये टेबल रेफर कर सकते हो आप। अब देखते हैं कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं FA32, इस नंबर को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू हम 0 1 2 3, ऐसे हम एक नंबरिंग करते जाएंगे राइट टू लेफ्ट के तरह। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे F into। एक और बात यहाँ पे, जैसे कोई भी नंबर लेते हैं 524, ये अगर डेसिमल होता है तो ये नंबर कैसे फॉर्म होता है, यानी 0 1 2। ओके, तो यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है कैसे होती है, 5 × 10² प्लस 2 × 10⁻¹ प्लस 4 × 10⁻¹₀। तो ये जो नंबर देख रहे हो आप पावर में 0 1 2, तो ये वाली वैल्यू हमने ये लिखा था, और बाकी यहाँ पे हमने क्या किया, हर जगह 10 यूज़ किया, वो इसलिए ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो सेम मैंने ये क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, तो ये यहाँ पे नंबरिंग सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पे ये हेक्साडेसिमल है, इसलिए हम 10 ना लेके हम 16 लेंगे। ओके, तो यानी कि ये हो जाएगा F × 16³ प्लस, यानी A × 16² प्लस यहाँ पे 3 × 16⁻¹ प्लस 2 × 16⁻¹₀। अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे F × 16³, तो ये कितना हो जाएगा 256 × 16, ये हो जाएगा 16 × 6 कितना हो जाएगा 96, एंड देन 9, देन 89, 8, एंड देन 16 × यानी कि 4096। ओके, तो ये हो जाएगा 4096 प्लस, यानी 16² × 8, A × 256 प्लस 16³, 48 प्लस, ये क्या हो जाएगा 16³ कितना हो जाएगा, यानी 2 × 1। ओके, तो अब यहाँ पर F का वैल्यू कितना है, F का वैल्यू है 15।
तो 15 × 4096 प्लस ए का वैल्यू कितना है 10 × 2560 हो जाएगा एंड देन 48 प्लस 2 हो जाएगा। अब इस सारे को कैलकुलेट करके जितना भी वैल्यू आएगा वो हो जाएगा। एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे एफ ए हो गया और इसको कन्वर्ट करने में डेसिमल होता है, क्या करेंगे 01, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ इंटू 16^1 प्लस ए इंटू 16^0। ये क्या होगा एफ इंटू 16 यानी कि 16 × 15 प्लस 16^01 इंटू 10 = 10 यानी कि जितना 15 × 6 कितना 90 एंड 9 15 प्लस 9 इज 24 एंड प्लस 10 आई बिलीव इट्स 250 हो जाएगा। अब ये पार्ट टू है, इसमें मैं ये बताऊंगा कि किसी भी अदर नंबर सिस्टम से हम हेक्साडेसिमल में कैसे जाएंगे। तो जो पहले मैं बताऊंगा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, तो जिस तरीके से हमने हेक्साडेसिमल से बाइनरी में आने के लिए क्या किया था कि एक हेक्साडेसिमल के यहाँ पे लिया था और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग 4 बिट्स में लिख दिया था, सेम वे में अब बाइनरी में जितने हम 4 बिट्स का पेयर बनाएंगे और उसका जो इक्विवेलेंट होगा हम ये लिख देंगे। सिंपल, जैसे 1000110001 ओके, ये हमारा बाइनरी में दिया है और इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 4 का पेयर बनाएंगे यहाँ पे देन 24 और इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो लिख देंगे, तो 124 तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा एंड देन ये 12 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो अगर 12 के लिए क्या सी यूज़ करते हैं 8C5, तो ये अपना हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं 100011 ओके, तो इसका 4 का पेयर बनाएंगे और ये 2 बच गया, इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और इसका 12 यानी कि 23 हो गया हेक्साडेसिमल में। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, तो जिस तरीके से हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में आने के लिए हमने क्या किया था कि पहले हेक्साडेसिमल को बाइनरी में किया था देन हम ऑक्टल में गए थे, सेम वे में हम क्या करेंगे ऑक्टल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और देन उसके बाद हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे 7354 ये ऑक्टल में दिया है, तो और इसको सबसे पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे एंड देन हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा 1113 के लिए होगा 011, 5 के लिए 101, 4 के लिए 100, तो ये अपना बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे कि 4 का पेयर बनाएंगे क्योंकि हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ओके, तो ये यहाँ पर हो गया, ये 4 पेयर हो गया, ये भी 4 का हो गया, ये 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 13, 14 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा ये भी 14 हो जाएगा। तो 14 के लिए क्या यूज़ करते हैं ई और 12 के लिए क्या यूज़ करते हैं सी, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ई सी और ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3564, तो इसको ये ऑक्टल में है और इसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो पहले बाइनरी में करेंगे एंड देन फिर हेक्साडेसिमल में करेंगे। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 3 के लिए क्या होगा 011, 5 के लिए 101, 6 के लिए 110, 4 के लिए 100, तो ये अपना बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे 4 का पेयर बनाएंगे, तो 4 का ये पेयर हो गया, ये हो गया और ये हो गया, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 12, ये 4 हो जाएगा एंड देन इसका क्या होगा 124, ये 7 हो जाएगा और ये 124 ये भी 7 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 774 इन हेक्साडेसिमल। किसी भी बाइनरी को डेसिमल या फिर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बताया है जिसमें आपको बिना पेन यूज किए हुए किसी भी बाइनरी या डेसिमल नंबर सिस्टम को इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, तो एक जो सबसे सिंपल सा रूल है ना कि किसी भी डेसिमल को अगर किसी और नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, जो कि पहले भी मैं बता चुका, तो सिंपली हमें क्या करना है कि जिस भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है उसके बेस से हम डिवाइड करेंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे। नंबर लेता हूँ 7548, तो इसको डिवाइड करेंगे 16 से, तो 16 × 4 = 64 एंड देन कितना बच जाएगा 6 + 5 = 11, 11 पे अपना 4 आएगा, तो यानी कि 114 यानी कि 16 × 7 कितना हो जाएगा 112 एंड देन कितना आएगा 2 पे 8 आएगा यानी कि 16 यानी कि एक बार में और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 12। ओके, देन अगेन डिवाइड करेंगे 16 से, तो ये कितना हो जाएगा 16 × 2 = 32 यानी कि 15 का 1 आ जाएगा यानी 151। ओके, तो 16 × 9 कितना हो जाएगा 144 और रिमाइंडर कितना हो जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 7। देन दोबारा से 16 से डिवाइड करेंगे 1
एंड देन कितना आ जाएगा 13। तो ये जब नंबर छोटा हो जाएगा इसे जिससे डिवाइड कर रहे हैं हम प्रोसेस स्टॉप कर देंगे और इसको हम इस वे में लिख देंगे। तो ये जो हमारा वैल्यू आ जाएगा 1 13। 13 के लिए क्या यूज़ करते हैं डी, एंड देन उसके बाद क्या है 7, एंड 12 के लिए सी 7C। तो ये अपना जो नंबर है ये कन्वर्ट हो गया किसमें, हेक्साडेसिमल में। ये सिंपल सा ये कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है लेकिन बस आपको तरीका जानना है कि किस तरीके से डिवाइड करना है तो वो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से सारे कन्वर्जन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पे कंप्लीट हो गए।